आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में रिजर्वेशन की मांग कर रहे लोगों ने स्टेशन पर हमला बोल दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे रूट ब्लॉक करने के बाद तुनी स्टेशन पर रत्नांचल एक्सप्रेस की 5 बोगियों और पुलिस की 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरने को कहा और इसके बाद बोगियों में आग लगा दी। कापू जाति के लोग ओबीसी के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के स्टाफ ड्राइवर और केमिस्ट से पूछताछ की है। इस मामले में जल्द ही थरूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की मौत जहर दिए जाने से हुई थी। अब दिल्ली पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि सुनंदा को जहर किसने दिया था। दिल्ली के रयान इंटरनेशनल स्कूल में 6 साल के दिव्यांश की मौत के मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल सहित 12 लोगों से पूछताछ की है। सीएफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज में भी दिव्यांश कहीं नजर नहीं आ रहा है। रयान इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन ने अपने रिपोर्ट में दिव्यांश की क्लास डायरी का हवाला दिया है और दिव्यांश को हाइपर एक्टिव बताया है। स्कूल के दावों की सच्चाई जानने के लिए पुलिस आज बच्चे के डॉक्टर का बयान दर्ज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात में नवादा के खनवा गांव की साधना देवी की चर्चा की। साधना देवी अपनी चर्चा किए जाने पर खुश हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मदद की जरूरत है सरकार से। दरअसल साधना देवी ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने सोलर चरखे से उनके जीवन में परिवर्तन की बात कही थी। और चरखा मैंने 2 महीना से घर में भी चला रहे हैं। घर में तो वहाँ से कुछ फायदा जरूर हुआ, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन हम एकाएक अचानक हमको दिल में लगा कि प्रधानमंत्री के पास हम एक चिट्ठी भेजें। चिट्ठी भेजेंगे तो कुछ तो जरूर फायदा हमें होगा और चार्ज भी बढ़ाएंगे। लेकिन चिट्ठी पढ़ के तो खुशी हुए और बधाई उनको हम देते हैं भी कि आशा करते हैं कि पैसा जरूर बढ़ाएंगे और सभी महिलाओं को खुशी करेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद गिरिराज सिंह ने खनवा गांव को गोद लिया है। 8 जनवरी को महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सोलर ऊर्जा के माध्यम से अंबर चरखा चलाए जाने का उद्घाटन किया गया। इस योजना से गांव के 70 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इसके तहत उन्हें सूत काटने का काम दिया जाता है और उस सूत को सरकार खरीदती है, लेकिन इन महिलाओं की शिकायत है कि काटे गए सूत की कीमत काफी कम मिलती है। हजारीबाग स्टेशन को स्थानीय सोहराई और कोहबर आर्ट के डिजाइन से सजाया गया है। जिला प्रशासन ने हजारीबाग में इसे लेकर अभियान चलाया जिसके तहत शहर में दीवारों को कोहबर आर्ट को उकेरा जा रहा है। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हजारीबाग सहित कई स्टेशनों को स्वच्छता अभियान के तहत सजाए जाने की जमकर तारीफ की है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर आज फिर बैठक है। कल हुई बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जारी अटकलों के बीच पीडीपी की यह बैठक आज अहम मानी जा रही है। बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं, विधायकों समेत कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक में पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के विकास और शांति के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अभी से तैयारी में लग गए हैं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए पार्टी अजीत सिंह के लोकदल के साथ भी समझौता कर सकती है। एसपी बीएसपी अपने बलबूते पर भाजपा को पराजित करने की बात करती है। बिहार जैसा गठबंधन ही भाजपा को पराजित कर सकता है। हम बिहार के भाजपा गठबंधन को उत्तर प्रदेश में उतारने का काम करेंगे और उसमें श्री अजीत सिंह के नेतृत्व वाला लोकदल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
पटना के कारगिल चौक पर छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर स्मार्ट सिटी परियोजना में बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वायदे को पूरा करने की मांग की है। यूपी के कानपुर में भी स्मार्ट सिटी योजना को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कानपुर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने की मांग की। कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी योजना में यूपी के एक भी शहर खासकर कानपुर के नहीं शामिल करने को लेकर एतराज जताया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाल में ही आतंकियों के निशाने पर रहे पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नहर से बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद हुए हैं। बच्चों ने खेलने के दौरान कारतूस देखे और गांव वालों को इसके बारे में बताया। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर नहर में तलाशी अभियान चलाए। इसमें इंसास राइफल AK-47 समेत बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खाप पंचायतों पर पाबंदी लगाए जाने की बात को सिरे से नकार दिया है। सीएम ने खाप पंचायतों को समाज के लिए बेहद जरूरी बताया। नहीं, मैंने हमेशा यही कहा कि खाप जो भी कोई गलत काम करेगी उसको हम चेक करेंगे, लेकिन खाप की जो एक समाज के अंदर मान्यता है वो बनी हुई है और खाप कोई सब गलत काम करती है ऐसा नहीं। बेगूसराय में दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना के विशुनपुर गांव की है। हत्या से नाराज लोगों ने हंगामा के साथ आगजनी की। पुलिस जांच में जुटी है। वैशाली में ऑटो रिजर्व कर जा रही महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बलीगांव थाना क्षेत्र की है। छपरा के नवादा गांव में दुष्कर्म की शिकार महिला ने एसपी के पास अपनी जान की रक्षा करने की गुहार लगाई है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही महिला के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया था। मामला थाना में भी दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आरोपी पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच चल रही है, लेकिन उन्हें अभी तक पीड़ित महिला का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। छपरा में ट्रक से साइकिल सवार को हल्की चोट पहुंचने के बाद उग्र भीड़ ने ट्रक ड्राइवर और खलासी की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई में ड्राइवर की मौत हो गई जबकि खलासी की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार शरीफ में स्टेशन रोड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों ने खुलेआम सड़क पर फायरिंग की, साथ ही आने जाने वाले वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्रावास के विद्यार्थियों और वहाँ पर जो स्थानीय युवकों हैं उसके बीच में झड़प हुई और इस घटना के संदर्भ में FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट में बचाव करने आए बैंकेट हॉल के संचालक समेत चार लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। साथ ही बैंकेट हॉल में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। नालंदा के हरनौत में पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 35 मोबाइल सेट, 2 कंप्यूटर, कैमरा और प्रिंटर सहित कई दूसरे सामान बरामद किए। कटिहार के बरारी थाने के बरेटा गांव में एक मवेशी व्यवसायी के घर में भीषण डकैती हुई। करीब 15 की संख्या में आए डकैतों ने घंटों लूटपाट की। अपराधियों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर 2,10,000 रुपए नकद समेत जेवरात और दूसरे कीमती सामान लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने घर के सदस्यों की पिटाई भी की। उधर पुलिस जल्द ही इन डकैतों को पकड़ लेने का दावा कर रही है।
पांचवी बार पद संभालने के बाद सीएम नीतीश कुमार आज पहला जनता दरबार लगाएंगे। पहले जनता दरबार में आज गृह, राजस्व, भूमि निबंधन और सामान्य प्रशासन से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। जिन विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी उन विभागों के मंत्री और अधिकारी भी जनता दरबार में मौजूद रहेंगे। रविवार को कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बनने वाले सिक्स लेन पुल के निर्माण का शुभारंभ हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने राघोपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव सहित नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन राघोपुर के मोहनपुर में हुआ। करीब 10 किलोमीटर लंबे बनने वाले इस पुल के लागत में करीब 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने 4.5 साल में पुल के निर्माण पूरा होने का लक्ष्य रखा है। पुल के कार्यारंभ के मौके पर नीतीश कुमार ने जहां पुल के बारे में बताया वहीं उन्होंने इस पुल को लेकर विपक्ष के बयानों पर पलटवार भी किया। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक जो 6 लेन का महासेतु का निर्माण होने वाला है उसका कार्यारंभ होगा तो लोग लगे बयान देने कि 2 बार शिलान्यास हो रहा। अरे 2 बार शिलान्यास नहीं हो रहा, 4 महीना पहले इसका शिलान्यास हुआ था जब इस प्रोजेक्ट के बारे में अंतिम तौर पर एडीबी ने मंजूरी दे दी। यहां वो ऋण देंगे बिहार सरकार को और जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको स्वीकार कर लिया, टेंडर हो गया और तब इसका शिलान्यास हुआ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पुल के निर्माण में केंद्र सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने चुनाव से पहले शिलान्यास किया था, आज के दिन काम का शुभारंभ हो रहा। साउथ कोरिया एलएनजी भारत सरकार का कंपनी, ये दोनों मिलकर 9.5 किलोमीटर पुल जिसमें पूरा पैसा राज्य सरकार का है, दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आदत से बात नहीं आ रहा है। राघोपुर में सीएम नीतीश ने कहा कि महागठबंधन में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है, हम एकजुट हैं और हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हमारे गठबंधन के महागठबंधन के सारे घटक दलों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हम एक तरफ जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और दूसरी तरफ हम महागठबंधन को एक सूत्र में बांध कर काम करते हैं, कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे। वहीं लालू यादव ने भी महागठबंधन की मजबूती को लेकर एक बार फिर मंच से हुंकार भरी और कहा कि जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे सरकार चलती रहेगी। सरकार चलेगी, लालू नहीं चलने देगा। ये चारों तरफ प्रचार कर रहा, हम निकलने वाले हैं ठंडा के बाद पूरे बिहार में। नीतीश कुमार महागठबंधन का सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल ही नहीं, जितना दिन नीतीश कुमार चाहेंगे इनके नेतृत्व में सरकार हम लोग चला के इनको जवाब देंगे। हम लोग वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के कार्यारंभ समारोह में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के शामिल होने पर सवाल उठाया है। केवल पत्थर गढ़वाने की कला है, लीला है और इस पत्थर गढ़वाने की लीला में लालू प्रसाद जी का भी नाम वहां अंकित हो जाए, उसके लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है कि भविष्य में जब भी कभी जो सरकार उस पुल को बनाएगी तो वहां पे लालू प्रसाद जी का नाम गड़ा हुआ दिखाई पड़े। और किस हैसियत से लालू प्रसाद जी को वहां बिहार की सरकार ने आमंत्रित किया है,
लालू प्रसाद जी की क्या हैसियत है सरकार के अंदर में, वो क्या है सरकार में, और यदि नहीं कुछ है तो उनको क्यों बुलाया गया। बिहार में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। बिहार जेडीयू ने 11 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव, 7 प्रवक्ता, 15 संगठन सचिव, 51 जिलाध्यक्ष समेत राज्य कार्यकारिणी के 61 और सदस्यों के नामों की घोषणा की है। कोषाध्यक्ष 1 है, उपाध्यक्ष 11 है, महासचिव 14 है, प्रवक्ता 7 है, संगठन सचिव 15 है, प्रकोष्ठ अध्यक्ष 6 है, कार्यकारिणी सदस्य 61 है, 115। जिला अध्यक्ष जो हम लोगों के थे, इसमें पुराने जिला अध्यक्ष 21 हैं, जिला अध्यक्ष जो नए बने हैं वो 30 बने हैं। पटना में आज से कपड़ा की दुकानें खुलेंगी। कपड़े पर 5% वैट लगाने के विरोध में कपड़ा व्यवसायियों ने 72 घंटे का बंद रखा था। इस बंद से करीब 75 करोड़ रुपए के कारोबार के नुकसान का अनुमान है। दीघा में भूमि अधिग्रहण का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में दीघा के लोगों ने एक दिवसीय उपवास किया, जिसमें दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने भी हिस्सा लिया। संजीव चौरसिया ने कहा कि सरकार बेवजह लोगों को परेशान कर रही है, इसके साथ ही उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं इस मामले को विधानसभा में उठाने की भी बात कही। मैं चेतावनी देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, एक विशाल धरना का आयोजन जो मजदूर संगठनों के द्वारा आप देख रहे हैं, कि कुल मिला के दीघा संघर्ष समिति, आवास बचाओ समिति के द्वारा कुल मिला के मजदूर के विषय पर लेकर, मकान मालिक के विषय को लेकर, किसान के विषय को लेकर, एक परस्पर भाव से यह आंदोलन जब तक परिणाम नहीं होगा, आंदोलन का स्वरूप और उग्र होता चला जाएगा। और विधानसभा में आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं प्रश्न पूरे भूमि पर विषय पर तो है ही, मजदूरों के विषय पर लेकर, किसानों के विषय पर लेकर एक आक्रामक भूमिका विधानसभा के अंतर्गत रहेगी और सरकार को इसका सकारात्मक जवाब देना पड़ेगा। बेगूसराय पुलिस ने मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 3 बच्चों को मुक्त किया कराया है। साथ ही मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। महिलाएं इन बच्चों को दार्जिलिंग ले जा रही थी। सीतामढ़ी में एक वकील ने भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वकील का नाम ठाकुर चंदन सिंह है। इस मामले की सुनवाई आज होगी। वकील ने भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के खिलाफ त्रेता युग में हुई घटना को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मां सीता का कोई कसूर नहीं था, इसके बाद भी भगवान राम ने उन्हें जंगल में क्यों भेजा। रामचंद्र जी पे सीता जी के जो वनवास छोड़ने का आदेश भाई लक्ष्मण को देते हैं, उसी को लेकर हमने मामला दर्ज कराया है। हमारा केस करने का, हमारा परिवार लाने का आधार सीता जी मिथिला की धरती पर राजा जनक जी के यहाँ उत्पन्न हुई थी, कि हमारे मिथिला की बेटी के साथ अयोध्या नरेश ने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया। सीता मैया को न्याय दिलाने के लिए हमने ये परिवाद पत्र लाया है। बिहार बार काउंसिल में बिहार गौरव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा समेत कई नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ता विचार मंच ने किया। पटना के यारपुर के कालीबाड़ी मंदिर में आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हैंडलूम फन गेम के साथ घरेलू महिलाओं ने पकवान का भी स्टॉल लगाया। बेहतर स्टॉल को संस्था की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया। पटना और उसके आसपास के इलाकों में आज काफी घना कोहरा है। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। कई ट्रेनों के देर से पटना पहुंचने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से धूप निकलने की वजह से लोग राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन धुंध और कोहरे ने एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज रांची में जनसंवाद करेंगे। इस दौरान सीएम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस मौके पर कई विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बलात्कार पीड़िता के साथ दोबारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अस्पताल के गार्ड पर ही घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। घटना के बाद से आरोपी गार्ड फरार है। जमशेदपुर के उलीडी थाना में एक युवती ने मून सिटी के बहुमंजिले फ्लैट से छलांग लगा दी। टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। हालांकि युवती ने छलांग क्यों लगाई इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। पाकुड़ में एक शख्स ने अपने 12 साल के साले की हत्या कर दी। मामला मुफस्सिल थाना के लखनपुर गांव की है, जहां जीजा ने नाबालिग साले को बहलाकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अलग नंबर से ससुराल वालों से 2 लाख रुपए की फुरौती की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। झारखंड के सीएम रघुवर दास सिमडेगा में योजना बनाओ अभियान की प्रगति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम रघुवर दास ने झारखंड में विकास का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के विकास के लिए पहले गांवों का विकास जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों को भी योजना में भागीदारी निभाने को कहा। रांची के नए एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। एसएसपी ने शहर की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच की ओर से महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में सीएम रघुवर दास और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। झारखंड के लोग भी गीत संगीत प्राकृतिक से अगाध प्रेम करने वाला समाज, झारखंड भी गीत संगीत और प्राकृतिक से अगाध प्रेम करने वाला समाज। सिमडेगा गुमला लोहरदगा तो छत्तीसगढ़ का बोली इस जिले में बहुत मिलता जुलता आपको मिले, और वहां का सिमडेगा हो चाहे गुमला हो, छत्तीसगढ़ से शादी विवाह का भी कार्यक्रम होते हैं, तो दोनों के कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार स्थानीय नीति को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए सरकार राजनीतिक दलों से लिखित सुझाव लेगी। साथ ही उन्होंने स्थानीय नीति को लेकर विपक्ष के रवैये पर भी तंज कसा। हमने फिर एक महीना पहले सभी राजनीतिक दलों को कार्मिक सेक्रेटरी को कहे कि आप चिट्ठी लिखो ताकि लिखित सुझाव दे दें, क्योंकि राजनीतिक दल बैठक में कुछ बोलते हैं, बाहर निकाल के मीडिया को कुछ बोलते हैं। इसलिए जैसे ही राजनीतिक दलों से लिखित सुझाव आएगी, झारखंड की स्थानीय नीति को भी हमारी सरकार करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। रांची में निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताली कर्मचारी मांग पूरी नहीं करने पर आज से आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। ये लोग पेंशन अनुकंपा पर नौकरी प्रमोशन समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं।